अगली खबर में बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां भारत जोड़ो यात्री बारिश, ठंड और गर्मी को मात देकर चल रहे हैं। यात्रियों में इतना जोश है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक का ये कठिन सफर हंसते खेलते पूरा कर रहे हैं। 75 साल के दिग्विजय सिंह हर एक यात्री की सेहत पर नजर बनाए रहते हैं। इसी दौरान कन्याकुमारी से पैदल चल रही छत्तीसगढ़ की एक महिला अचानक बीमार हो गई। ऐसे में दिग्विजय सिंह ने परिवार की तरह अपना फर्ज निभाया। क्रांति का कहना है कि उन्हें 5 स्टोन बनाए गए थे, 4 स्टोन को निकाल दिया गया है, एक छोटा स्टोन किडनी में है, इस कारण उसे निकाला नहीं गया। क्रांति का कहना है कि 10 दिन के आराम के बाद वह भारत जोड़ो यात्रा में फिर से शामिल होंगी। वह अभी तक निरंतर पदयात्रा में चल रही थी। किडनी में स्टोन के बारे में डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिएंगी तो वह खुद ही बाहर निकल जाएगा। कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 86वां दिन है। इस यात्रा में 119 यात्री कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर पैदल तय करने के लिए निकले हैं। रास्ते की तकलीफों को झेलते हुए यात्रा मध्य प्रदेश से राजस्थान की ओर बढ़ रही है। 4 दिसंबर को आगरा मालवा से होकर यह यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी। इस यात्रा के कोऑर्डिनेटर और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी राहुल के साथ पदयात्रा कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह हर एक यात्री की सेहत पर नजर बनाए रहते हैं। माननीय दिग्विजय जी को पता चला तो दिग्विजय जी ने कहा कि मैं तेरे पिताजी के समान हूँ, यात्रा छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं तेरा इलाज करवाऊंगा। और इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल में अपने संरक्षण में सारी टेस्ट करवाया गया। टेस्ट के दौरान पता चला कि मेरा ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है और अपने संरक्षण में 29 तारीख को मेरा ऑपरेशन करवाया गया।